आज मैं आपके साथ किचन क्लीनिंग और श्रीखंड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा गर्म पानी कर रही हूँ और इसी में ईटिंग सोडा 2 चम्मच डालेंगे। पानी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस गुनगुना करना है। यहाँ मैं डाल रही हूँ डिशवॉशर लिक्विड। स्प्रे बॉटल की सहायता से इसे मैं सभी जगह स्प्रेड कर रही हूँ। अब मैं ऊपर के कबर्ड्स को क्लीन कर रही हूँ। मैंने मेरे घर के सभी कबर्ड्स वाइट रखे हैं, इसलिए मुझे वीकली क्लीनिंग करनी पड़ती है। ऊपर की क्लीनिंग तो हो गई है, अब जो मैंने नीचे स्प्रेड करके लिक्विड रखा था उसे अब हल्के स्क्रब से क्लीन कर लेते हैं। यहाँ की चिकनाहट भी पूरी तरह से निकल गई है, तो इसे भी मैं पानी डाल के क्लीन कर लेती हूँ। अब बच गया है नीचे का पोर्शन, तो इसे भी मैं उसी तरह क्लीन करूँगी। ये मेरे पसंदीदा लैंप है, तो इन्हें भी मैं वीकली क्लीन करती हूँ। बर्नर को मैंने जो लिक्विड में डाल के रखा था उसे भी मैं हल्के स्क्रब से स्क्रब करके वॉश कर लूँगी। मेरा सारा काम तो हो चुका है, अब बच गया है बेसिन। तो बेसिन को भी मैं लिक्विड डाल के इस तरह ब्रश से क्लीन करूँगी। ये ब्रश मैंने स्पेशली बेसिन के लिए लिया है, मैं इसी से इसे क्लीन करती हूँ और इससे आसानी भी होती है। इस तरह सारी चिकनाहट भी निकल गई है और किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया है। किचन तो क्लीन हो गया है, अब बनाते हैं श्रीखंड। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दही को एक मलमल के कपड़े में बांध के रख दिया था। 2 घंटे तक मैंने इसे पूरा पानी निकलने तक रख दिया है। यहाँ मैंने एक बर्तन में 2 कप दूध लिया है और 1 चम्मच चीनी ली है। इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाएंगे। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स को दरदरा कूट के डाल रही हूँ। ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, अब इसे मैं 1 कप में निकाल रही हूँ। दही का पानी भी निकल गया है, अब इसे मैं 1 बाउल में निकाल रही हूँ। अब मैं 3 चम्मच चीनी डाल के इसे फेंट रही हूँ। आप अपने हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से फेंटने के बाद इसमें जो हमने दूध गाढ़ा करके रखा था उसे थोड़ा डालेंगे और फिर से फेंटेंगे। इस तरह दूध को गाढ़ा करके डालने से श्रीखंड का स्वाद बिल्कुल मार्केट के श्रीखंड जैसा आता है। लीजिए, श्रीखंड भी बनके तैयार है। अब इसे ठंडा ठंडा मैं सर्व कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स के बिना तो कोई भी स्वीट डिश अधूरी है, तो चलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़े से क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स। मेरा किचन क्लीनिंग और श्रीखंड की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।